तो दोस्तों आजकल हर कोई पबजी पबजी बोल रहा है। पबजी बहुत सारे बंदे खेल रहे हैं, हालांकि मैं खेलता हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं खेलता हूँ क्योंकि मैं इतना हैवी अभी प्लेयर नहीं हूँ। फिर भी मज़ा आता है खेलने में, टाइम पास के लिए अच्छा है, लेकिन अगर आपका टाइम फ्री है तो फुल टाइम उसे नहीं खेलना चाहिए। फिर भी आज मैं चिकन डिनर करने की जो 5 ट्रिकें बताने वाला हूँ उसे अगर आप फॉलो करें तो आपका चिकन डिनर पक्का ही समझो विनर विनर चिकन डिनर। तो दोस्तों ये एक्चुअली मेरे फ्रेंड ने मुझे ट्रिक बताई है और वीडियो भी उसी ने शूट करके मुझे भेजा है। उनके चैनल का नाम है BM और उस लिंक पर आप अगर जाना चाहते हो तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो समय को न गवाते हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बाबुल और मैं आज आपको 5 ट्रिक्स बताने वाली हूँ पबजी के बारे में, जिससे आप आराम से चिकन डिनर कर पाओगे अगर हमारा 5 ट्रिक्स यूज़ करो तो जुड़े रहो आज के वीडियो के साथ। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, ठीक है। फर्स्ट है ब्रिज ब्लॉक करके हम ब्रिज के ऊपर कैसे चढ़े। तो जैसे कि आप देख सकते हो हम अभी ब्रिज के ऊपर चढ़ने के लिए कोशिश कर रहे और फाइनली में हम ऊपर चढ़ गई, ठीक है। और उसके बाद हम मिडिल पर जाएंगे, मिडिल पर जाकर हम कुछ आपको दिखाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ से आप एनिमी को आराम से मार सकते हो, एनिमी को पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप फायर कर सकते हो, जैसे कि हम अभी दिखा देती हूँ, यहाँ पर फायर करके दिखा देती हूँ। ये देखो आप ऐसे आराम से मार सकते हो, ठीक है। हम और ऊपर चढ़ के आपको दिखा देती हूँ कि और ऊपर कैसे चढ़ते हैं और वहाँ से भी आप एनिमी को मार सकते हो, ठीक है। आप वहाँ से भी एनिमी को आराम से मार सकते हो। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर एक जंप करके इधर आना होगा, ठीक है। और यहाँ पर आप आराम से मार सकते हो। तो यहाँ से आपको मारने से क्या होगा, एनिमी को पता नहीं चलेगा। चलो पीछे से एक गाड़ी आ रहा है, उस गाड़ी में 3-4 जो भी बंदे रहेंगे हम उसमें से सिर्फ एक को मारेंगे, ठीक है, और बाकी को छोड़ दूंगी। तो उसके बाद देखूंगी वो लोग गोली चलाते हैं या नहीं, बंदा मुझ पर गोली चलाते हैं या नहीं। वो देखो गाड़ी आ रहा है, ठीक है। हम फर्स्ट में यहाँ पर एक बम गिरा देते हैं ताकि उनको लगे यहाँ पर बंदा है, ठीक है। साइड में वो गिरा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक स्मोक भी मार देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद हम एक को मार दूँगी यहाँ पर, एक को मारूँगी, ठीक है, बाकी को छोड़ दूँगी। देखो एक नॉकआउट हो गया, दूसरा छुप गया, तीसरा किधर गया, तीसरा तो गाड़ी लेके बिजी है, वो देखो भाग गया तीसरा, ठीक है। एक किल मिल गया मुझे। तो देखो उन लोगों को पता नहीं चला कि कहाँ से मारी मैं, ठीक है। वो लोग अभी तक एक भी गोली नहीं चलाई मुझ पर, ठीक है। तो आप लोग भी इस तरह से मार सकते हो, तो मेरा ट्रिक्स यूज़ करो, ये बहुत बढ़िया ट्रिक्स है ब्रिज ब्लॉक करने में, ठीक है। अब ब्रिज पर चढ़ के ब्रिज को ब्लॉक करो, उसके बाद ब्रिज के ऊपर चढ़ जाओ और उसके बाद मारो, एनिमी को पता नहीं चलेगा, ठीक है। दूसरा है घर में, घर की पोजीशन, और देखो बंदा भाग रहा है। तो दूसरा है घर के पोजीशन, कौन सी पोजीशन में रहना होगा आपको। तो फ्रेंड हम बताने वाले हैं इस घर की पोजीशन में। तो कुछ बंदे हैं क्या करते हैं, या जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ ना वहीं पर लेट जाता है, कुछ इस तरह से यहाँ पर लेट जाते हैं। यहाँ पर लेटने से क्या होगा आप ये भी देख लीजिए, कोई प्रो लोग मारने को आएगा तो कुछ इस तरह से आएगा। ये देखो आराम से दिख रही है कि बंदा यहाँ पर सो रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सोना नहीं है, यहाँ पर मत सो रहो, ठीक है। कुछ बंदे हैं तो इस रूम में जाके यहाँ पर छुप जाती है, यहाँ पर बैठ के रहता है, वो जब भी आएगा वो मार देगा। और कुछ बंदे क्या करते हैं यहाँ पर आके बैठ जाता है, लेकिन यहाँ पर बैठने से वो नहीं जानता है नीचे से उसको फायर कर सकते हैं। ये देख लो, ये भी तुम देख लो, कोई प्रो लोग आएगा तो डायरेक्टली ऊपर नहीं चढ़ेगा, फर्स्ट में यहाँ पर देखेगा कि यहाँ पर बंदा है कि नहीं। यहाँ से आपको, आप वहाँ पर बैठे रहेंगे तो आराम से मार देगा, ठीक है, और उसके बाद वो ऊपर आएगा, ठीक है। तो इस घर की पोजीशन कौन सी है, सेफ पोजीशन, तो हम बताते हैं कि आप, हाँ यहाँ पर भी थोड़ा सेफ है लेकिन इतना सेफ नहीं है। यहाँ पर बैठने से भी और एक प्रॉब्लम है कि बाहर से बम ना गिरा दे, आपको यही ख्याल रखना होगा बाहर से बम ना गिरा दे अंदर, ठीक है। और आप यहाँ पर भी बैठ सकती हो, ये भी बहुत अच्छा पोजीशन है, यहाँ पर भी आप आराम से बैठ सकती हो,
ठीक है, बंदा पीछे से गया, ठीक है, और सबसे बेस्ट है आप यहाँ पर बैठे रहो, एक बंदा आ रहा है, वो आएगा तो हम मार के दिखाते हैं उसको, ठीक है, आप यहाँ पर बैठे रहो। अगर इस घर में हम जहाँ पर है ना वहाँ पर बम गिरा है तो पीछे से आप आराम से भाग जा सकती हो, ठीक है। बंदे को आने दो, बंदे का इंतज़ार है, वो देखो आ गया, ठीक है, हम उसको आसानी से मार देंगे। कहाँ पर गई, यहाँ पर नहीं है, देखो उस रूम में गया, ये देखो, ये देखो, और ये देखो, ठीक है, तो आप आराम से मार सकती हो। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर बैठे रहो, ठीक है। नंबर थ्री, तो फ्रेंड्स जैसे कि देख रहे हो हम अभी जन के अंदर ही हैं, और ये देख लो हम आधे आधे जन के अंदर है और आधे बाहर है, ठीक है। तो यहाँ से हम एनिमी को फायर करेंगे तो एनिमी को पता नहीं चलेगा कि बंदा कहाँ से मार रहा है, ठीक है। तो आप भी मेरा टिप्स यूज़ करो, ठीक है, और देख लो जोन हमको कुछ नहीं कर रहा है, हम जैसे थे पहले वैसे ही है, ठीक है, तो आप मेरा टिप्स यूज़ करो। नंबर फोर, ड्रॉप कैसे लूटा जाए। तो फ्रेंड जैसे कि देख रही हो हम अभी ड्रॉप लूटने के लिए जा रही हूँ, और सबसे पहले यहाँ पर एक स्मोक कर दूंगी हम, ठीक है, आप भी ऐसे ही करो। तो मैंने दो किया, आपने एक भी कर सकते हो, और उसके बाद ही ड्रॉप लूटने के लिए जाओ, ठीक है। यार तीन नंबर तूने सब कुछ लूट लिया, ये बहुत नाइंसाफी है यार, ठीक है, कोई बात नहीं। तो फ्रेंड ऐसे ही करो, एक स्मोक मारो और उसके बाद ड्रॉप लूटो, ठीक है। नंबर फाइव, तो फ्रेंड जैसे कि देख रहे हो हमको अभी 13 मीटर आगे जाना होगा, ठीक है, तो हम फर्स्ट में क्या करेंगे, एक स्मोक मार देंगे यहाँ पर, ठीक है, हम यहाँ पर एक स्मोक मार देंगे और उसके बाद हम आगे जाएंगे। आपको भी ऐसा ही करना है, ठीक है, आप भी ऐसे, ओह सॉरी स्मोक तो पीछे गया, कोई बात नहीं फिर से मारती हूँ। तो आपको भी स्मोक मार के आगे जाना होगा, ठीक है, स्मोक नहीं मारोगे तो मार देगा आपको, ठीक है। मेरा ट्रिप्स यूज़ करो तो आपको 90% चांसेस है कि आपको चिकन डिनर मिल ही जाएगा, ठीक है। तीन नंबर तो गया, देखो वो स्मोक नहीं मारी थी ना इसलिए गया, ठीक है। तो हम एक स्मोक मार देते हैं सामने, और ये देखो मैं अभी स्मोक में हूँ, ठीक है, आपको स्मोक मार कर आगे जाना होगा। यहाँ पर एक बंदा है, हम इसको मारते हैं, ओफो नहीं मारा, ठीक है। तो आप लोग देखते रहो मेरे इस मैच में क्या होती है, ठीक है। हाँ भाई तीन नंबर, आजा आजा, हाँ हाँ रिवाइव करेंगे, आजा, ये देखो तीन नंबर भी आ गया रिवाइव लेने के लिए, कोई बात नहीं हम उसको रिवाइव दे देते हैं। ओफो पहले एक स्मोक मारना चाहिए था, भागोया से, देखते रहो क्या होती है इस मैच में। एक बंदे है यार, ठीक है, सामने देखो उसने भी एक स्मोक मारा है, सामने दिखा, तो हम एक ग्रेनेड मार देंगे स्मोक में, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही करना है, वो देखो सामने, ओफो चलो जीत ही गया फाइनली में। तो आपको, आप भी जीतोगे, ठीक है, आप भी मेरा टिप्स यूज़ करो, ठीक है, मिलती हूँ अगली वीडियो में। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो हमारा पबजी के ऊपर वीडियो था जिसमें हमने 5 ट्रिक बताई है, और उस ट्रिक को अगर आप फॉलो करोगे तो आपका विनर विनर चिकन डिनर पक्का ही है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो हमारा वीडियो है आपको बहुत ही अच्छा लगा है, और अगर अच्छा लगा तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों आज के वीडियो में था बस इतना ही, अब हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।